मैं इस वक्त जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत मोहम्मदाबाद ब्लॉक पीडब्ल्यूडी की एक सड़क बन रही है और इस सड़क पे अक्सर मैं गुजरता था, देखता था कि ये बहुत गड्ढा मुक्त था और आज देख रहा हूँ कि ये सड़क पे काली हो गई है। लेकिन इस गुणवत्ता जब देखने का जब प्रयास मैंने किया तो वही हाल डाट के, क्या भ्रष्टाचार की जो बातें की जा रही थी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, निर्माण अच्छी होगी, मैं युवा से, ये देखिए सब युवा हमको देख करके आ गए हैं। अब इनसे ही जानना चाहता हूँ कि ये सड़क जो बन रही है बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, इस सड़क के बन जाने से आपके करेल के क्षेत्र के काफसिराइज गांव के लोगों के लिए और उधर के और मानिकपुर उधर के गाँव के लोगों के लिए बलिया जाना बहुत आसान हो जाएगा, कम उसकी दूरी हो जाएगी उसकी, वरना ये लोग जाते थे बालापुर होके जाते थे। लेकिन सड़क तो अच्छी बननी चाहिए। लेकिन क्या युवा, क्या नाम तुम्हारा बेटा? सेवक। सेवा, सेवा क्या? सेवक। सेवक, सेवा नाम है, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। तो ये बताओ कि ये सड़क जो बन रही कैसा बन रही है? अच्छा बन रहा है। अच्छा बन रहा है। अच्छा, गड्ढा था? हाँ गड्ढा था, बहुत गिट्टी डाला गया था उस पर। हाँ गिट्टी डाला कि गिट्टी डाला? गिट्टी डाला। गिट्टी डाला, अब उसको सफाई किया गया था? सफाई किया गया था। सफाई किया गया था, अच्छा अच्छा ठीक है। और तुम बताओ बेटा? सिद्धार्थ सिंह यादव। अच्छा यादव जी, ये बताओ कि सड़क जो बनी थी कैसा बनी थी? सही तो नहीं थी, मगर माटी पे ही पीच गिरा कर वो सब बराबर कर दिया गया और कुछ नहीं था नीचे। अच्छा। सब कंकड़ दब गया था, माटी चढ़ा था। हाँ। उसके बाद ये बस पीच गिराया गया और बराबर कर दिया गया, कोई मतलब नहीं है इससे। अच्छा। देख लीजिए इधर साइड में है। कहाँ देखो? ये वाला। हाँ देख लीजिए। हाँ देखिए बच्चा दिखा रहा है कि मिट्टी पे ही, देखिए मिट्टी पे ही, देखिए 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 बच्चा निकाल के दिखा रहा है, मिट्टी पे ही ये सड़क बना दी गई है। देखिए देखिए ये सड़क की और कुछ नहीं है, बस नीचे वो आगे और जाएंगे तो और सब इधर सब खराब है, इधर खराब है। क्या नाम है तुम्हारा? सेवक। से सिवा नाम है हमारा। सिवा तो खराब है ना सड़क? हाँ उखाड़ने पर जैसे उखड़ जा रहा है ये। हाँ और मिट्टी नीचे है ना इसके लिए, जैसे कि अच्छा मिट्टी है, ज्यादा दिन तक चलेगा? हाँ नहीं चलेगा ना, बारिश हुआ था अभी, जो बारिश हुआ है फिलहाल में दो चार दिन पहले, वो सब धस गया, आगे उधर जाएंगे और तो सब पूरा जाने पर तुरंत धस जा रहा है नीचे। वहाँ पे दिखा सकते हैं? वहाँ पे जाना पड़ेगा। आप लोग देखिए, ये बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं और दिखाएंगे कि कैसे क्या सड़क के निर्माण हो रहा है। जी हाँ दिखाओ, जा रहे हैं आपको। बोलो बेटा क्या? ये देखिए जो बना है ये पीच, अगर चार दिन का बना है, चार पाँच दिन हुआ, लेकिन तब पर भी यहाँ पे मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर जो लगा दिया है कि घास उग गया, देख लीजिए। हाँ, यहाँ यह पहले से ही घास और मिट्टी थी इस पे। अच्छा। ये सड़क चार पाँच साल पहले इस पे गिट्टी डाला हुआ था। हाँ। और उसके बाद इसको केवल जेसीबी लगाकर, इस पे मजदूर भी नहीं लगे थे। हाँ। जेसीबी लगाकर केवल इसे सीधा किया गया। हाँ। और गड्ढे थोड़े थे तो इसमें जो गिट्टी थी पहले की, हाँ, चार पाँच साल पहले की, हाँ, उसको इखाड़ के यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ करके, हाँ, उसको बस लेवल किया गया, लेवल किया गया। उसके बाद न तो इसकी सफाई हुई है, हाँ, केवल दो चार मजदूर लग के और एक रोलर लग के इसको बिछा के और इसको कर दिया गया। अच्छा। इसके बाद इसकी गुणतत्वा देखे तो इसमें, हाँ, हर एक मटेरियल की कमी है। हाँ। गिट्टी देखे, कतरा देखे, हाँ, या इसकी जो ये भूसी होती है, ये छोटी वाली रोड़ी, हाँ, वो भी कमी है। हाँ। यह रोड जो बना सिलाईच मानिकपुर, हाँ, बालापुर डोमनपुरा, हाँ, बहुत से करेल गाँव को ये जोड़ता है, हाँ, जिसमें से छात्र छात्राएं गरीब, हाँ, और पेशा वाले लोग, व्यवसाय वाले लोग, हाँ, ये मोहम्मदाबाद बनिया जाते हैं इससे। जी। ये गांव पूरा मगई नदी से घिरा हुआ है। अच्छा। बाढ़ क्षेत्र में जो लोग फंसते हैं, हाँ, या वो बीमार हो, हाँ, कोई जरूरत हो, तो ये लोग उधर से बालापुर होके जाते हैं। हाँ। ये रोड बना तो, हाँ, लोगों को तो ये है कि जाने में सुविधा हुई, ये मोहम्मदाबाद जोड़ने के लिए सुविधा हो गई, लेकिन ये बहुत दिन नहीं चलेगा, ये रोड बहुत दिन नहीं चलेगा, क्योंकि आप इसकी गुणवत्ता देखें तो देखिए ये मिट्टी है, अभी ये मिट्टी के ऊपर ही लगा था जी। यहाँ देखें तो ये सब खराब है, आगे देख लेंगे तो ये से अगर उखाड़ देंगे आप यहाँ से, उखाड़ देंगे तो ये उखड़ जाएगी। इसमें यही कमी है, हम चाहेंगे कि सरकार से इसकी जांच कराई जाए, टेक्निकल जांच, जेई वगैरह जो भी हो इसमें, उसकी जांच करा के और अच्छी से इसे, हाँ, फिर से रिपेयरिंग कराया जाए या टेंडर को निरस्त किया जाए, हाँ, इसका जरूरत है जांच कराने की। हाँ। तो हमारी सरकार जो आदरणीय प्रधानमंत्री करते हैं भ्रष्टाचार मुक्त के काम अच्छा होगा,
तो नरेंद्र मोदी जी का सपना तो चूर हो रहा है ना? ये तो नरेंद्र मोदी जी की सपना से ही तो बना है, लेकिन इसमें जो ऊपर से लेके नीचे तबके के अधिकारी और ठेकेदार लोग हैं, उनकी मिलीभगत से उनका तो जो सपना है बनना है वो तो बन रहा है, लेकिन उनके सपने पर पानी फेरने वाले लोग नीचे से और ऊपर के जो कड़ी है वो फेर रही है। तो आप प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे आप लोग, हम सपना चूर हो रहा है? हमारी यही प्रधानमंत्री जी से गुहार है कि इसको अच्छे से अच्छे ठेकेदार को सौंपा जाए कि टेंडर अच्छी बने, गांव की सड़कें अच्छी हों, क्योंकि ये इसके बाद बच जाने के बाद ये 5 साल 6 साल सरकारें आती जाती हैं, इसको कोई देखने नहीं आता है। ये कम से कम 6 साल बाद बना है, ये 6 साल बाद ये रोड बना है, 6 साल 5 साल पहले इस पर गिट्टी गिरी थी, उसके बाद आज जाके ये पिच गिरा है, और इसके बाद ये उखड़ जाने के बाद ये कब बनेगी कोई ठिकाना नहीं है इसकी। सरकार से क्या कहोगे आप लोग? सरकार से यही गुहार है कि अच्छी बनाए और क्या। क्या नाम पड़ा बेटा आपका? भीम कुमार बिंद। भीम कुमार बिंद, बताओ कि सड़क जो बनी है तो जब चल रहे थे गाड़ी आप तो खूब हिल रहा था कि नहीं हिल रहा था? हिल रहा है, हिल गड्ढा से हिल रहा था ना, गड्ढा भरा नहीं गया ठीक से? हाँ, कुछ कमी रह गई है। कमी रह गई है ना, अच्छा इसीलिए हिल रहा है। हाँ। परेशानी हो गई इसे तो? हाँ, परेशानी बढ़ती जाएगी दिन दिन पर दिन। तो जब पानी जमेगा गड्ढा में सड़क खराब हो जाएगी? हाँ, सड़क खराब हो जाएगी। खराब हो जाए ना, तो इससे अच्छा सड़क नहीं बन रहा है? नहीं, बना नहीं है। हाँ। इससे अच्छा बनना चाहिए। बनना चाहिए ना, धन्यवाद। हाँ, ये बताओ विनाचल जी रहे वाला कहाँ का? वो सिलाइज का। सिलाइज का रहे वाला? तो ये सड़किया जो बनल बटे ऊपर गिट्टी पड़ल की मिट्टी पर दे दे जा? अब ये तो हम ना बता पाई, होनिया तो गिट्टी रह है, अब एनिया तो अब देखला पर ना। अच्छा अच्छा, देखला पर। हाँ अच्छा, सड़के बने से अच्छा तो रही? हाँ अच्छा रहे ना। हाँ, लेकिन गिट्टी पड़ल ग्राम पर पड़ी ना, देखल तू ना? ये तो ना देखल। अच्छा, पानी बरस, पानी बरसल है ना? हाँ, पानी पानी बरसल आई लल ना, वो भाई ना आई ल, हम 2-4-10 दिन ना रहल। अच्छा, ना रहल ऐसे ना देखल। युवा से मेरी मुलाकात हो गई, इस गांव के रहने वाला है बेटा। क्या तुम्हारा नाम बेटा? समिंदर बिंद। बताओ बेटा कि जो काम हो रहा है वो काम भ्रष्टाचार यानी सही ढंग से जो काम होना चाहिए था उसका काम हुआ है कि नहीं हुआ है? सही ढंग से काम नहीं हुआ है, इसी तरह मिट्टी पर मतलब गिट्टी बिछा दिए हैं, सब घास जम रहा है ऊपर से। अच्छा, इसीलिए थोड़ा अच्छा है। अच्छा, मिट्टी पे ही लोग डाल दिए सब? हाँ। अच्छा, सफाई हुआ किया नहीं सब ने? सफाई नहीं किया था, जैसे गिट्टी उट्टी नहीं था अंदर में। अच्छा, इसीलिए घास जम रहा है ऊपर से। अच्छा, घास जम रहा है सड़कों पे ना। अच्छा, उखड़ भी रहा है पानी? हाँ, पड़ा तो उखड़ हाँ, भी रहा है तो उखड़ भी रहा है। देखिए यहाँ, देखिए आप यहाँ पे गड्ढा है यहाँ पे, और ये गड्ढा है ना यहाँ पे है, तो गड्ढा है, साइड में इंचिंग भी लगा हुआ नहीं है कलजे का। तो जो मोदी जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार नहीं होगा है, ऐसा हुआ कि नहीं? उनकी बात को बात मानी जा रही कि नहीं मानी जा रही है? हमारी सरकार जो कहती है कि एकदम भ्रष्टाचार, कोई गलत काम नहीं होगा है, तो गलत ऐसा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, गलत हो रहा है। हाँ, गलत काम हो रहा है ना। हाँ, सरकार से क्या आप लोगों को कहना चाहिए कि इसको सही से बनाना चाहिए? हाँ, ना सरकार से तो यही कहना चाहेंगे कि वो मतलब सही से बनाए। नहीं ना। हाँ ठीक है। देखिए ये माता जी आ रही हैं, ये बताएंगी हमको। माता जी, ये सड़क बन रही है तो ऊंचा ऊंचा खाचा ये पूरी देखिए बच्चों को लेके जा रही हैं। हाँ हाँ, ये चाची कहाँ गवा कौन सा है? क्या नाम होता? कौन गवा है? कहाँ गवा का नाम का है? मानिकपुर न। मानिकपुर है, ये मानिकपुर है। अच्छा अच्छा, तो मानिकपुर गवा ये है, तो सड़क के रुक जा भैया, एक मिनट जरा। कहाँ घर भैया? भैया भैया मोरूपुर। तो ये सड़क ऊंचा खासा है कि नहीं है? ये मटे ना। क्या नाम पड़ी भैया आपका? प्रमोद मिस्त्री। प्रमोद मिस्त्री जी, क्या क्या मिस्त्री कैसा है आप? क्या राज मिस्त्री। राज मिस्त्री, और अच्छी जगह बता पाएंगे हमको? तो ये सड़क पे घास भी जम रही है ना? जी, घास जम रही है ना। आप इधर अक्सर जाते हैं? जी, हमेशा। तो सड़क बन जाने से फायदा तो जरूर होगा, लेकिन सड़क गलत बन रही है ना? ये सड़क बनने से कोई फायदा नहीं, देखिए रोड पे घास जम रहा है। अच्छा, घास जम रहा है। अच्छा, ऊंचा खासा उसी पड़ा हुआ है? बहुत है, जैसे है उसी पर पिच बिछा दिया गया, इसको दबाया गया ही नहीं है। अच्छा, जैसा है इसी पर पिच बिछा दिया गया, उस पर गिट्टी भी नहीं डाली गई? कुछ नहीं, सिर्फ बस मिट्टी पर बिछाया गया है। क्या नाम बड़ा बेटा तुम्हारा? अरविंद। अरविंद क्या? अरविंद कुमार बिंद। अरविंद कुमार बिंद,
अच्छा वेरी गुड। ये बताओ बेटा, तुम तो युवा हो और हमारे देश को कहा गया था कि भ्रष्टाचार सरकार रहेगी, अच्छा सरकार रहेगी और इस सड़क निर्माण होगा तो गुणवत्ता अच्छा रहेगा, खूब दिन चलेगा। ये सड़क बनी है, क्या ऐसा चल पाएगा? ऐसा नहीं 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 ना नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा ना। हाँ, मिट्टी पे ये सब लगा दिए, इसी तरह मिट्टी पे लगा दिए सबने। हाँ। अच्छा तो पानी हुआ था अभी तो बहुत ये हो गया, घास हाँ। भी जम रहा है। हाँ, खाल हो गया था पानी टू हुआ था। हाँ। बारिश हुआ तो खाल हो गया था ना। हाँ। अच्छा तो ये खाल तो जर भी जा रहा है। हाँ। तो आप लोग सरकार से क्या कहोगे? सरकार से यही कहेंगे कि जल इसको बढ़िया से बनवाए और टेक्निकल जाँच हो उसकी। हाँ, टेक्निकल जाँच होना चाहिए ना, तभी तो होगा। जी जी हाँ, टेक्निकल जाँच से बनना चाहिए। जी अच्छा, तो ये बहुत सरकार का तो छवि धूमिल हो रही है। इसे तो सरकार कह रही है कुछ और, बोल रहा है कुछ और। हाँ है, क्या कहो सरकार? सरकार ही जो बोल रही कर नहीं रही है। नहीं कर रही, नहीं कर रही ना। हाँ, सरकार जो बोली अच्छा बने, अच्छा नहीं बन रहा है। नहीं बना रहे हैं, अच्छा नहीं बना रहे ना। हाँ। अच्छा ठीक, धन्यवाद।